बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्राणधार आत्मसंबंधी सुंदर साथ जी, कल की चर्चा में हमने सुना कि श्री जी साहेब अब्बासी बंदर से लौटे हैं। भिन्न भिन्न स्थानों में होते हुए जब नलिया पहुंचते हैं तो वहां धारा भाई मिलते हैं। वे अपनी कहानी सुनाते हैं कि किस तरह से उनके द्वारा राजी वाणी की चर्चा कराते हैं और कैसे बिहारी जी उन्हें समाज से बहिष्कृत कर देते हैं, कैसे सूरत से आठ सुंदर साथ आते हैं मिलने और इधर बिहारी जी के साथ भी चार सुंदर साथ होते हैं, कैसे श्री जी उनकी सिफारिश करते हैं, किस प्रकार बिहारी जी के मन में श्री जी के प्रति कड़वाहट बढ़ती जाती है, ईर्ष्या की भावना बढ़ती जाती है, किस प्रकार खंबालिया के राजा के पास शिकायत कर देते हैं और नाव छूटने के कारण सुंदर साथ को पकड़ करके खंबालिया के जो सैनिक है वो पूछताछ करते हैं, कैसे पैदल रास्ते पर चलते हुए किस प्रकार से श्री जी सूरत पहुंचे हैं, वहां तक की भी तक का कल हमने श्रवण किया। इसी सूरत में श्री जी 17 महीने तक रहते हैं। वहां की भी तक श्री लालदास जी वर्णन करने जा रहे हैं और कहते हैं कि 17 महीने तहां रहे कहो ताकि भी तक जिन भांत लीला करी सो याद करो बुजरक, सो याद करो बुजरक। श्री जी सूरत में सैयदपुर नाम का स्थान है, पुर कहते हैं मोहल्ला, किसी सैयद के मोहल्ले में एक घर है भगवान दास का, जिनके बगल में मोहनदास का घर है, उस घर पे कुछ दिन रहते हैं। और जिस घर पर श्री जी ठहरे हुए हैं उसके बिल्कुल पास में एक घर था शिवजी भाई का, उन्हें श्री जी ने चर्चा सुनाई, कुछ दिन सेवा भी की और साथ में एक और सुंदर साथ है, उनका नाम है रामजी भाई, ये दो भाई माने जाते हैं, शिवजी भाई और रामजी भाई। इन दोनों सुंदर साथ को श्री जी ने तारतम वाणी के द्वारा प्रबोधित किया। दोनों के मन में जब राज्य के लिए भाव जगा तो उन्होंने बिहारी जी का दर्शन करने के लिए नौतनपुरी भेजा। अब शिवजी भाई थोड़े अमीर थे, जाते हैं और क्योंकि अमीर हैं, उनके पास यात्रा के लिए घोड़े का साधन है, वो घोड़े पर बैठ करके जाते हैं। जा करके बिहारी जी के पास जब पहुंचे, बिहारी जी ने नागजी भाई को द्वारपाल की सेवा पे रखा हुआ है कि कोई भी आए तो पहले सूचना मुझे देना है और उसके बाद ही, अनुमति लेने के बाद ही मिलने देना है। कोई भी नया व्यक्ति आता है तो अब क्योंकि नागजी भाई को पहचान हो चुकी है बिहारी जी की, वो अंदर से जानते हैं कि कैसे व्यक्ति से बिहारी जी मिलना चाहते हैं और कैसे व्यक्ति से मिलना नहीं चाहते। अगर कोई व्यक्ति धनाढ्य दिखता है, अमीर दिखता है, तो उससे चढ़ावे की उम्मीद होती है, इसलिए उन्हें मिलने दिया जाता है। जब शिवजी भाई पहुंचे, उनका होलिया पूछा, होलिया अर्थात कैसे वेशभूषा पहनी है,
वेशभूषा से लोग आंकलन लगा लेते हैं, आंकलन ही लगा पाते हैं वैसे तो, और वो तब से चला आ रहा है, अभी भी चलता है। लोग वेशभूषा देख करके किसी के अमीर या गरीब होने का आंकलन लगा लेते हैं, वेशभूषा के अनुरूप व्यवहार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति करोड़पति भी होगा लेकिन अगर साधारण कुर्ता पहना होगा, धोती कुर्ता पहना होगा, या फिर बिल्कुल साधारण से वस्त्र पहना होगा, चप्पल पहना होगा, तो लोग सोचेंगे कि ये थोड़ा सा ना गंवार टाइप का दिखता है, अनपढ़ दिखता है। और यदि कोई व्यक्ति भले ही सच में गंवार हो, पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन उसको पॉलिश किए हुए जूते पहनाए जाए और कट पीस सूट पहनाया जाए, टाई पहनाया जाए, और बीच बीच में भले ही उसको बोलना नहीं आता हो, बीच बीच में यस नो यू नो थैंक यू ऐसे तीन चार अंग्रेजी के शब्द प्रयोग करेगा, तो लगेगा कि ये बहुत पढ़ा लिखा है। और वैसे तो ये कहावत कही जाती है, ये ट्रेंड चला हुआ है, कहते हैं कि डू नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर, किताब की जिल्द के द्वारा किताब का आंकलन नहीं किया जा सकता है, पर लोग आंकलन ही उसी से करते हैं। और यहां तक कि अगर आपको भी, यहां आप जितने लोग बैठे हैं, आपको भी मैं आधी लाइन कह दूं अंग्रेजी की, तो हो सकता है आप पूरा करेंगे, और आप इस पर विश्वास भी करते होंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ये पूरी दुनिया कहती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन अगर होता तो जो फर्स्ट इंप्रेशन में रावण साधु के वेश में आया था, क्या उसका इंप्रेशन बना रहा? नहीं बना रहा। ठीक है, मायावी छद्म वेशधारी लोग बहुत हैं संसार में, स्वयं की विद्वत्ता का दिखावा करने वाले, विनम्रता का दिखावा करने वाले लोग बहुत हैं, और फर्स्ट इंप्रेशन लोग दिखावे से ही लगाते हैं। दिल कौन देखता है? लोग चेहरा देखते हैं, वस्त्र देखते हैं। इसीलिए जब स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी इंग्लैंड गए थे, तो वहां किसी ने उनकी वेशभूषा का मजाक उड़ाया, तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया, कहते हैं कि आपके यहां वेशभूषा के आधार पर इज्जत दिया जाता है, वेशभूषा के आधार पर चरित्र का निर्धारण किया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि आपके यहां किसी का भी चरित्र कौन बनाता है? कोई दर्जी, क्योंकि कपड़े बनाने वाला कौन है? दर्जी कपड़े सिल रहा है, और कपड़े के आधार पर आप किसी का चरित्र आंकलन कर रहे हो, तो आपके यहाँ तो नाई सबसे बड़े धर्मगुरु होंगे, नाई सबसे बड़े उपदेष्टा होंगे। हमारे यहाँ मनुष्य की प्रतिष्ठा का आंकलन वस्त्रों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से किया जाता है, कि वो कैसा है, उसकी विद्वत्ता कैसी है, उसका चाल चलन कैसा है, रहनी कैसी है। लेकिन बिहारी जी को इससे क्या लेना देना, किसी की रहनी से भी क्या लेना देना? उनको लेना देना है कि कोई व्यक्ति मेरी बात मानता है कि नहीं मानता है, और चढ़ावा चढ़ाता है कि नहीं चढ़ाता है। शिवजी भाई पहुंचे हैं, गए, वस्त्र वेशभूषा पूछी, लगा कि ये धनाढ्य है, आने दिया, ₹5 उन्होंने खर्च किया, उस समय का ₹5 उनके चरणों में रखी, 5 मुहर, और जैसे ही प्रणाम की, बिहारी जी कहते हैं कि तुम तो परम धाम की निर्मल आत्म हो, मैंने तुम्हारी परात्म को परम धाम में देखा है। कहते हैं 5 मुहर खर्च करी उन निर्मल करी आत्म, 5 मुहर खर्च करके आत्मा निर्मल हो गई। और उसके साथ साथ राम जी भाई भी गए हैं, पर राम जी के पास पैसा नहीं है, उनके पास केवल विश्वास है, और साथ में श्री जी के द्वारा लिखी गई पाती है, चिट्ठी है, सिफारिश है कि इनको मैंने भेजा है, पर बिहारी जी को उससे कोई लेना देना नहीं। पाती लेकर के तो गए, लेकिन जब पूछा गया
बिहारी जी ने पूछा नाग जी भाई को कि कैसा दिखता है। अब राम जी भाई पैदल गए थे, सोचिए सूरत से जामनगर पैदल गए हैं, कितने दिन लगे होंगे, और धन की व्यवस्था नहीं हुई होगी, भूखे होंगे, प्यासे होंगे, पैदल चलने की वजह से न स्नान की व्यवस्था हुई होगी, मैले कुचैले होंगे। वेशभूषा को देख करके उन्होंने आंकलन लगाया कि कोई गरीब आया है, और बिहारी जी ने कहा कि इनको अंदर आने की अनुमति नहीं है। पाती दिखाई, चिट्ठी दिखाई, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें चिट्ठी से कोई लेना देना नहीं है। रो धो करके विनती की, 3 दिन तक भूखे प्यासे दरवाजे पर पड़े रहे, लेकिन बिहारी जी का पत्थर दिल नहीं पिघला। पत्थर भी अगर धूप में बाहर हो, भले ही पिघले ना, गर्म तो हो जाता है, लेकिन बिहारी जी के हृदय पर इतना भी प्रभाव नहीं पड़ा। और उन्होंने राम जी भाई पर कोई दया नहीं की, और इनकी भी उम्मीद टूट गई 3 दिन के बाद भूखे प्यासे वापस आए। वापस आकर के श्री जी को वो पत्र दिया और अपनी बात बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, बिहारी जी ने मुझे स्वीकार नहीं किया। श्री जी उस पत्र को वापस लेकर के अब मन ही मन दुखी हुए कि यदि इनमें परम धाम की थोड़ी सी भी खुशबू होती, राज्य की थोड़ी सी भी कृपा होती, तो ये सुंदर साथ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। अब बिहारी जी ने एक और बात सुनी कि जिस धारा भाई को उन्होंने निकाला है, जिनके बारे में कल हमने सुना था, वो अब श्री जी के साथ में है। जिस रामजी भाई को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, वो भी श्री जी के साथ में है। रूपा भाई, राधा भाई भी साथ में है। तो बिहारी जी क्या कहते हैं कि जिन जिन को हम सुंदर साथ से बहिष्कृत कर रहे हैं, उनको ये क्यों रख रहे हैं साथ में, ये तो मनमर्जी कर रहे हैं। मेरा हुक्म न मानत ए आप कहा वे बुजुर्ग, कि मेरा आदेश नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये खुद को मेरे से भी बड़ा समझ रहे हैं, क्या ये मुझसे बड़े हो गए। अब जब श्री जी की ये बात सुनी, बिहारी जी को दुख हुआ। कहते हैं, मैं काढ़ूं ताए ए रखें इन हमसो फेरिया मुख। ऐसा लगता है कि इन्होंने मुझसे ही मुंह फेर लिया है, अर्थात ये अब मेरी बात का पालन नहीं करेंगे। और जब ये बात श्री जी तक पहुंची, श्री जी कहते हैं, तब श्री जी साहेब जी ये कहया, जो कोई लूला पांगला साथ, इंद्रावती न छोड़े तिनको, पहुंचावे पकड़ हाथ। लूला पांगला साथ कौन है? ये बात उस समय भी उतनी ही सांदर्भिक थी और आज भी उतनी ही सांदर्भिक है। कोई अमीर है यदि, जिसके घर पर हर प्रकार की व्यवस्था है, आप प्रचारक हैं, प्रचार करने जाते हैं, आप रेलवे स्टेशन पर पहुंचते नहीं कि उससे पहले गाड़ी आपको रिसीव करने के लिए आ जाती है, आपको एसी कमरे में ठहराया जाता है जिसमें हर प्रकार की व्यवस्था है, समय पर आपको भोजन कराया जाता है, और आपके समय के हिसाब से वहां लोग इकट्ठे हैं और आप चर्चा कर रहे हैं। इस तरह के प्रचारक होना बहुत सरल है, इसमें कुछ नहीं लगता, और ये प्रचार नहीं है, ये सेवा नहीं है, ये तो आप राज्य के नाम पर सुविधा ले रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको सुविधा मिल रही है तो मत लीजिए, लेकिन जब नहीं मिल रही है तो उसकी इच्छा मत कीजिए। अनायास ही कोई चीज उपलब्ध हो जाए तो कोई उसमें बुराई नहीं है, लेकिन अगर समाज का कोई लूला पांगला व्यक्ति है, लूला पांगला मतलब तत्कालीन समाज का जो अति पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, अगर आप किसी गरीब की कुटिया पर नहीं पहुंच पाते, और वो भी इस कारण कि उसके घर पे शायद व्यवस्था नहीं होगी, आप किसी गरीब के यहाँ इसीलिए जाने से मना कर देते हैं कि आपको लगता है कि उसके यहाँ पर व्यवस्था नहीं होगी, और आप ये नहीं देखते कि वहाँ पर लोग हैं,
सुंदर साथ हैं, परम धाम की आत्मा है, तो फिर आप में और बिहारी जी में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर यह है कि आप बिहारी जी की खंडनी करते हैं चौपाई के द्वारा, बीतक के द्वारा। लेकिन अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप में कोई अंतर नहीं है। सुंदर साथ को, प्रचारक को ऐसा होना चाहिए कि स्वामी जी एक बात बार बार कहते हैं प्रचारकों के लिए कि कभी घी घने, कभी मुट्ठी भर चने, कभी वो भी मने। कभी ये हो सकता है कि निरंतर अभी बीतक का महीना चल रहा है, सावन के महीने में बीतक होती है, आप किसी जगह पर बीतक के लिए गए हैं, किसी शहर में हो सकता है कि 50 घर सुंदर साथ के हो, तो आपको दोपहर का भोजन किसी एक के घर में मिल रहा है, शाम का भोजन किसी और के घर में, और जब एक वक्त के लिए भोजन किसी के यहाँ करना होता है तो सुंदर साथ आपको अतिथि समझ करके, प्रचारक समझ करके, महात्मा महाराज समझ करके अपना पूरा खजाना खोल देता है। जितने व्यंजन वो बना सकता है आपको खिलाता है, तब भी ठीक है। और यदि आप कहीं पर प्रचार के लिए गए हैं, अचानक से जाना हुआ, या फिर आपके इच्छा के अनुरूप व्यवस्था नहीं हो पाई, रूखा सूखा कोई भोजन बना है, भले ही वो आपको पसंद हो ना हो, अगर आपको, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मान लीजिए कि नुकसान करता है, कोई भोजन ऐसा हो सकता है जो आपके शरीर के लिए नुकसान करता है, तो उसको मत खाइए। लेकिन मान लीजिए कि भोजन में सामने यदि चार प्रकार के व्यंजन है, तो ये तो नहीं होगा कि चारों प्रकार के व्यंजन आपको नुकसान करेंगे, उनमें से दो जो नुकसान करते उनको छोड़ दीजिए, बाकी दो से काम चला लीजिए। ये जरूरी थोड़ी है कि इच्छाएं ही पूरी हो हमेशा। तो कभी घी घने भी हो सकते हैं, कभी मुट्ठी भर चने भी हो सकता है, और कभी कभी भूखा भी रहना पड़ सकता है। भूखा रहने का तात्पर्य, राज जी ने अभी तो आपके लिए इतनी व्यवस्था कर दी है कि शायद भूखा रहने की नौबत ना आए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी ट्रेन लेट हो गई। मान लीजिए मंच में कार्यक्रम का समय दिया हुआ है, चर्चा का समय दिया हुआ है, कहीं पर आप दो दिन की यात्रा करके गए, भोजन नहीं कर पाए, वहां पर भी जहां आप निश्चित स्थान पर जा रहे हैं चर्चा के लिए, वहां पर आप पहुंचते ही हैं और 10 मिनट में आपकी चर्चा का समय हो जाता है, आप बिना कुछ खाए केवल हाथ मुंह धो करके, कपड़े बदल करके आपको मंच पे पहुंचना पड़ता है, भूख लग रही है पर आपको उस समय खाने को नहीं मिलेगा। आप ये कहें कि नहीं, हम भूखे पहले खाना खाएंगे फिर मंच पे जाएंगे, तो क्या होगा, मंच की मर्यादा का हनन होगा, लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और आधा घंटा और डिले होता जाएगा, तो क्या होगा। इसीलिए आप पहले मंच पर जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये साधना है, कहीं ना कहीं ये तप है। वहां आप अपनी सुविधा नहीं देख रहे हैं, वहां आप सुंदर साथ की सुविधा देख रहे हैं, तो कभी कभी वो भी मना हो गया। कई बार वास्तव में भूखा भी रहना पड़ सकता है, लेकिन एक दिन भूखा रहने से कोई मर थोड़ी जाता है। हो सकता है थोड़ी परेशानी हो, सोचिए कि आज से लगभग 12-13 साल पहले लोकपाल विधेयक के लिए जब आंदोलन चल रहा था, अन्ना हजारे उस समय मेरे ख्याल से 65 साल के आसपास की उनकी उम्र थी, और जहां तक मुझे याद है 13 दिन तक उन्होंने अनशन किया था, केवल पानी पी करके 13 दिन तक। तो हम 13 घंटे भूखा नहीं रह सकते, हमारे शरीर में इतनी चर्बी है कि अगर 13 दिन नहीं खाएंगे तब भी हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो परीक्षा होती है। तो जो लूला पांगला साथ की बात कर रहे हैं, यदि समाज का, तत्कालीन समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, वो किसी भी क्षेत्र से पिछड़ा हो सकता है, कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है कि जाति के नाम पर किसी का दमन हो रहा हो, आपको उन तक भी पहुंचना पड़ेगा। कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है कि आपको जहां बुलाया गया हो वहां पर वो सुविधा ना मिले जो शहरों में मिल सकती है, लेकिन वहां भी आपको जाना होगा। जिस गरीब की झोपड़ी में बिजली की व्यवस्था नहीं होगी, उसे उसके पास भी आपको जाना होगा। आज तो वैसे में सिर्फ तैयारी की बात कर रहा हूं, मानसिक रूप से तैयारी की, वरना आज ऐसी कोई नौबत नहीं आती है।
आज पांचवें दिन की तरह वो अवस्था नहीं है कि भिक्षा मांग करके खानी पड़े। आज तो हर जगह पर सुंदर साथ है, प्रचारकों के लिए सुंदर साथ हमेशा तैयार रहते हैं सेवा के लिए, लेकिन फिर भी अगर कहीं आवश्यकता पड़े तो। श्री जी कहते हैं कि तब श्री जी साहेब जी ने कहा, जो कोई लूला पांगला साथ इंद्रावती न छोड़े तिनको पहुंचावे पकड़ हाथ। कोई लूला सुंदर साथ है, लूला मतलब जो कमजोर है शारीरिक दृष्टि से ही नहीं, कभी कभी हम ये देखते हैं समाज में जब प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं तो पिछले साल की ही बात है, एक जगह पर मैं स्थान का नाम और व्यक्ति का नाम नहीं बताऊंगा, पर कुछ बहनें चर्चा के लिए गई हुई थी और वहां पर कुछ सुंदर साथ को आरती के लिए मंदिर में अंदर आने की अनुमति नहीं थी। पहले दिन तो ध्यान नहीं गया, एक दो दिन में उन्होंने देखा कि ये सुंदर साथ हैं बाहर ही बाहर रहते हैं, चर्चा सुनने के लिए अंदर भी आने नहीं दिया जाता है। फिर एक दिन बारिश हुई, अब बारिश में बाहर तो नहीं रह सकते, जैसे तैसे उनको थोड़ी सी जगह मिली। खाने के लिए भी देख रहे थे कि इनको पंक्ति में नहीं बैठाया जाता है, वो ऐसे ही जमीन पर बैठ करके खाते हैं कुछ सुंदर साथ। जब पता किया, पूछताछ की, तो पता चला कि इनको जाति के नाम पर ऐसा किया जा रहा है। मुझसे पूछा उन्होंने कि क्या करें, मैंने कहा कि आपका फर्ज है, आप यदि प्रचारिका बन करके गई हैं, आप यदि वितक की चर्चा कर रही हैं, तो आपका फर्ज है कि आप सुंदर साथ को समझाएं। और संयोग से धारा भाई का ही प्रसंग चल रहा था उस समय, उन्होंने समझाया, समझाने पर भी वो लोग नहीं माने, कहने लगे कि नहीं आप नहीं जानते, हमारे समाज की ये व्यवस्था है, आप लोग दो दिन के लिए आते हैं। मैंने कहा कि चाहे दो दिन के लिए आए चाहे 20 दिन के लिए आए, यदि वितक चर्चा सुनने के बाद भी वितक पर अमल नहीं करना है, धाराभाई की चर्चा सुनने के बाद, लूला पांगला साथ वाले प्रसंग को सुनने के बाद, उदयपुर के प्रसंग को सुनने के बाद भी यदि सुंदर साथ से भेदभाव नहीं मिटाना है तो वितक सुनने का कोई तात्पर्य ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, आप छोड़ दो। मैंने सख्ताई से कहा कि आप चर्चा छोड़ दो, उन सुंदर साथ को बोलो कि या तो आप अपने आप में परिवर्तन लाइए या हम अपने आप में परिवर्तन लाएंगे, आप अगर नहीं सुधरेंगे तो हम वितक की चर्चा नहीं करेंगे। उन्होंने सुधरने से मना किया, बहनों ने कहा ठीक है हम चर्चा नहीं कर रहे, और उन्होंने आगे चर्चा नहीं की। कम से कम प्रचारकों को इतना दृढ़ तो होना पड़ेगा, अगर आप ये सोचने लग गए कि 7 दिन की चर्चा थी, 5 दिन तो हो ही चुकी है, बीच में अगर छोड़ करके चले जाएंगे तो ये 5 दिन की मेहनत भी चली जाएगी, 7वें दिन जो चढ़ावा आना था वो नहीं आएगा, तो समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। यदि क्रांति लानी है तो सबसे पहले स्वयं से ही प्रारंभ करना होता है, और क्रांति तब तक नहीं मानी जाती जब तक कि कोई विचारधारा, जिस विचारधारा को आप मान रहे हैं वो समाज के सबसे पिछड़े वर्ग तक अगर नहीं पहुंचता है तब तक क्रांति क्रांति नहीं मानी जाती है। श्री जी ने जिस वैचारिक क्रांति का प्रारंभ किया, वो भी उस समय जिस समय उन पिछड़े हुए लोगों के लिए बोलने वाला कोई नहीं था, वह समय जब जाति के नाम पर लोगों को अलग रखा जाता था, जाति के नाम पर गायत्री सुनने वाले के कान में सीसा पिघला करके डाल दिया जाता था, गायत्री का उच्चारण करने वाले की जीभ काट ली जाती थी, और ऐसे समय में श्री जी ने उन पिछड़े लोगों के लिए आवाज उठाई और कहा कि मैं किसी का साथ नहीं छोड़ने वाला हूं। बिहारी जी तो सत्ता में थे ना, हर किसी को वो सीधे परमधाम से निकालने की धमकी देते थे, श्री जी ने वो चुनौती भी स्वीकार की, वो नहीं डरे, उन्होंने कहा कि अगर निकलना ही है तो मैं साथ में निकलूंगा, अगर सुंदर साथ ही नहीं है तो मैं अकेले रह करके क्या करूंगा। उन्होंने कहा कि पहुंचावे पकड़ हाथ, मैंने जिनका हाथ पकड़ा है उनको मैं परम धाम तक पहुंचा कर के ही रहूंगा। इस समय अब एक सुंदर साथ है जिनका नाम है गोवर्धन जी,
एक गोवर्धन जी का तो धामगमन हो चुका है जो मिहिर राज जी के भाई हैं, एक और गोवर्धन भाई हैं जो कि अब्बासी बंदर से आए हैं, वे भी श्री जी से आकर के मिलते हैं और सुंदर साथ में शामिल होते हैं। उनके पास राज जी ने धन दिया है तो क्या करते हैं, तीन सेवा श्री जी की सिर लई अपने, सब खर्च ने लगा साथ में सुफल जन्म करने, अपने जन्म को सफल करने के लिए। सुंदर साथ के रूप में राज्य मिले हैं, मानव तन के रूप में जन्म मिला है, इस जन्म को सफल करने के लिए हमें क्या करना है, हमें करनी है सेवा। गोवर्धन जी ने वही सेवा अपने ऊपर लिया, सिरोधार्य किया और सुंदर साथ की सेवा में जो भी उनके पास धन था, जिसे घर से निकलते हुए लेकर के आए थे कि इससे मैं सेवा करूंगा, वो सेवा उन्होंने ली। अब गोवर्धन जी की सेवा चलती है, श्री जी चर्चा करते हैं, धीरे धीरे सूरत में रहते हुए कुछ दिन बीतते जाते हैं। हर जगह पर अब बात फैल जाती है कि इस तरह से कोई बहुत बड़े साधु आए हैं जो कि इस तरह की चर्चा करते हैं, दिव्य चर्चा करते हैं, अखंड ब्रज अखंड रास की बात करते हैं। कई लोग दिल में संशय लेकर के आते हैं, सुनने वाले कैसे कैसे लोग होते हैं। देखिए, तीन प्रकार के लोग सुनने आते हैं। कुछ लोग आते हैं प्रभाव से, कुछ लोग आते हैं अभाव से, और कुछ लोग आते हैं स्वभाव से। अभाव, प्रभाव और स्वभाव। अभाव का तात्पर्य यह है कि मन में कोई लौकिक इच्छा है जिसकी पूर्ति नहीं हो रही है, मन में चल रहा होता है कि क्या पता यहाँ पर कथा सुनने जाएं तो मन की इच्छा पूरी हो। लोग मन की इच्छा पूरी करने के लिए, मायावी कामना पूरी करने के लिए चर्चा सुनने जाते हैं कथा के नाम पर। तो ये हो गया अभाव से आने वाले। प्रभाव से आना क्या हुआ कि जो समाज में प्रभावित प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कोई जिनके पास लोग हजारों की संख्या में जा रहे हैं, जो मार्केट में ट्रेंड पर चल रहे हैं, तो लोग मार्केट को देख करके सुनने जाते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, एक है अभी वर्तमान में वृंदावन में बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक है, महात्मा है, उनका नाम है प्रेमानंद जी। बहुत अच्छी बात बताते हैं वो, और जिस तरह से साधकों को वो निर्देश करते हैं बिना किसी लाग लपेट के, वो बहुत अच्छी बात है। पर उनके पास जितने लोग जाते हैं उनमें से अधिकांश लोग सिर्फ ये देख करके जाते हैं कि YouTube में, Facebook पे, हर जगह पर ये छाए हुए हैं, ये देख करके जाते हैं। ये देखने नहीं जाते कि इनसे मैं कोई तत्व ज्ञान लूंगा। देखते हैं कि अच्छा विराट कोहली भी जा रहे हैं, अच्छा इतने बड़े बड़े कलाकार जा रहे हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी जा रहे हैं, राजनेता जा रहे हैं, और ये सब क्यों जाते हैं? ये सब इसलिए जाते हैं राजनेता इत्यादि, क्योंकि जब इतने सारे लोग आ रहे हैं, इनका बड़ा ट्रेंड है, इनके चैनल पर अगर मैं आ जाऊंगा तो लोग मुझे इनका समझेंगे, मुझे वोट देंगे, समझ रहे? तो इस तरह से किसी एक के प्रभाव का प्रभाव बहुत सारे लोगों पर पड़ता है, जिसके प्रभाव का दुष्प्रभाव भी हो सकता है, पर लोग जाते हैं। तो कुछ लोग गए अभाव में, कुछ लोग गए प्रभाव में, और कुछ लोग जाते हैं स्वभाव में। स्वभाव का तात्पर्य हृदय में भाव उत्पन्न होता है कि अगर मैं इनके पास जाऊं तो मेरी आत्मा का कल्याण हो सकता है। ऐसे आत्मा के कल्याण के लिए जाने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और जो लोग जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ लोग शक लेकर के जाते हैं कि चलो जा तो रहे, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जैसा चाहते हैं वैसा होगा कि नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, कहते हैं कि ले दिल में शक आवही कर दीदार होए बेशक। हृदय में संशय लेकर के आते हैं, लेकिन श्री जी का दर्शन करने के बाद, श्री जी की चर्चा सुनने के बाद वो निशंक होते हैं, सारे संशयों से रहित होते हैं। अब इसी प्रकार श्री जी के चर्चा की खबर एक वेदांत के बहुत बड़े विद्वान है, उनका नाम है भीम भाई, और एक भागवत के विद्वान है श्याम भट्ट, उन्होंने सुनी।
सुन करके श्री जी का दर्शन करने आते हैं, दर्शन करके श्री जी की चर्चा सुन करके अब उन्हें श्री जी से प्रेम हो जाता है। प्रेम किससे? श्री जी के ज्ञान से। अभी पूर्ण पहचान नहीं हुई है, पर उनको लगता है कि ये तो बहुत गहरी ज्ञान की बात करते हैं। वेदांत जिस ब्रह्म के विषय में बताता है, वेदांत दर्शन का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। उस ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। जिज्ञासा क्या है? जिज्ञासा है जानने की इच्छा, जानने का लालच, ऐसी इच्छा जो लालच सी लगे, क्योंकि किसी किसी के मन में इच्छा होती है पर वो ठंडी हो जाती है। उत्सुकता होती है पर लालच होना बहुत बड़ी बात है। जिसके मन में ज्ञान का लालच हो, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, लालची व्यक्ति क्या करता है? अगर उसके पास 100 हाथ हो तो 100 हाथों से बटोरने की इच्छा करता है, यहां से भी ले लूं, वहां से भी ले लूं। जो ज्ञान का पिपासु व्यक्ति होगा, ज्ञान का जो लालची व्यक्ति होगा, जो वास्तव में जिज्ञासु व्यक्ति होगा, वो जिज्ञासु व्यक्ति बटोरने की सोचता है, लेने की सोचता है। ब्रह्म के लिए भी वैसी ही इच्छा होनी चाहिए। ब्रह्म को पाने की लालसा होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए। जब तक ललक नहीं होगी तब तक क्या होगा? कोई व्यक्ति खोज ही नहीं करेगा। और बिना खोज के, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करता, ये अवस्था आ ही नहीं सकती। तो इसलिए सबसे पहले क्या चाहिए? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। पर क्यों? ब्रह्म है कौन? तो ब्रह्म क्या है? कहते हैं जन्म आदि यस्य यतः। सृष्टि का जन्म, सृष्टि का जो कारण है, कौन सा कारण? निमित्त कारण। तीन प्रकार के कारण है इस सृष्टि के बनने के। एक है निमित्त कारण, एक है उपादान कारण और एक है साधारण कारण। निमित्त कारण का तात्पर्य क्या है, इसको उदाहरण से आप सरलतापूर्वक समझेंगे। जैसे घड़ा, घड़ा जो है उसको आप सृष्टि समझें, तो घड़ा बनाने वाला जो कुम्हार है, कुम्हार घड़े का निमित्त कारण है। और उपादान कारण क्या है? मिट्टी और पानी इत्यादि। मिट्टी, पानी और वो जो चाक लगता है ना, जिसपे मिट्टी को घुमाया जाता है और उसको आकृति दी जाती है, ये सब उपादान कारण है। निमित्त कारण हो गया कुम्हार, उपादान कारण हो गए तत्व अथवा पदार्थ, और साधारण कारण है जैसे समय, पुरुषार्थ, ज्ञान। क्योंकि कुम्हार को आप मिट्टी दे दें, पानी दे दें और चाक दे दें तो इतने में घड़ा नहीं बन जाता है। कुम्हार को पुरुषार्थ भी करना होगा और उसको बनाने का ज्ञान भी होना चाहिए और साथ में समय भी लगता है। अगर केवल समय समय हो तब भी नहीं होगा पुरुषार्थ के बिना, और समय तथा पुरुषार्थ दोनों है पर ज्ञान नहीं है तब भी नहीं होगा। ऐसा कैसे? कि जैसे आपको अगर वो सभी वस्तुएं उपलब्ध करा दी जाए तो क्या आप घड़ा बना पाएंगे? नहीं बना सकते ना, क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान भी उसमें साधारण कारण है। तो निमित्त, उपादान और साधारण कारण में से निमित्त कारण है ब्रह्म, जिसकी व्याख्या वेदांत दर्शन में की गई है। और वेदांत दर्शन के जो आचार्य हैं, जो नवीन वेदांती हैं, वो उस ब्रह्म की व्याख्या क्या करते हैं? उपनिषदों के आधार पर। उपनिषदों के और वेदांत दर्शन के कुछ सूत्रों के आधार पर मनमाना अर्थ करके, उन महावाक्यों के अर्थ को न समझने के कारण वो क्या कहते हैं? ब्रह्म कहां पर है? ब्रह्म कहां है? कहते हैं कि ब्रह्म तो सर्वव्यापक है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, यहां जो कुछ भी है वो सब ब्रह्म है। अहम् ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं। तत्त्वमसि, वह तुम हो, अर्थात वह ब्रह्म तुम हो। प्रज्ञानं ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप है। अयम आत्म ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। इस तरह से उपनिषदों के जो महावाक्य है उनका प्रयोग करके इसी संसार में ब्रह्म का होना घटित किया जाता है। पर श्री जी जब वेदांत की चर्चा करते हैं तारतम्य ज्ञान पर आधारित, तो वहाँ वो इस तरह की चर्चा नहीं करते। वहाँ वो बताते हैं कि जो परब्रह्म है वो इस संसार के कण कण में नहीं है। परमात्मा कहाँ है? हद बेहद से परे है। जिसको वेद त्रिपाद ऊर्ध्वम कहते हैं,
चार पादों का, चतुष्पाद का वर्णन आता है ब्रह्म के चार पादों का, जिसको हम सरलता पूर्वक अव्याकृत, सबलिक, केवल और सत्स्वरूप कह देते हैं। जिनमें से ऊपर के जो तीन पाद हैं, जो अछूते हैं, अर्थात जिसके विषय में कोई नहीं जानता, और जो चौथा पाद है, चौथा पाद कौन सा है? अव्याकृत। उस चौथे पाद के द्वारा इस सृष्टि की रचना होती है, जिसके लिए वेद कहते हैं चतुष्पाद भूत्वा भोग्य सर्वमादत्त भोजनम। चौथे पाद के द्वारा सृष्टि बनती है और उसी सृष्टि का निर्माण होता है, पालन होता है और लय भी होता है, तो चौथे ही पाद में समा जाते हैं। इस प्रकार वेदांत के सूत्रों की गहनतम व्याख्या जब श्री जी करते हैं, भीम भाई के लिए यह ज्ञान नवीन है, उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं सुनी, तो अब उनको उस चर्चा में रस आने लगता है। अब वो अपने गुरु के पास जाते हैं, उनके गुरु का नाम है सन्यासी शंभुनाथ। उनसे पहले चर्चा सुन रहे होते हैं, पर श्री जी की तरह उनके गुरु भी नहीं बता पाते हैं। और जो वास्तव में ज्ञान का ग्राहक होता है, वो किसी एक जगह से नहीं बनता है। कभी कभी हमारे समाज में एक मान्यता प्रचलित है, कहते हैं कि एक गुरु को छोड़कर के दूसरे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए, पाप लगता है, नरक मिलता है। वास्तव में हमारी जो चेतना है उसको ज्ञान चाहिए, वो कहीं से भी मिले, उसे भंवरे की तरह होना चाहिए। भंवरे को इस बात से परहेज नहीं है कि वो पराग किस फूल से ले रहा है, वो किसी एक फूल से बंध के नहीं रहता है। सोचिए कि अगर गुरु बदलने से पाप लग रहा होता तो दत्तात्रेय जी 24 गुरु नहीं करते। दत्तात्रेय जी की तो बड़ी महिमा गाई जाती है सनातन परंपरा में, तो 24 गुरु क्यों करते? देवचंद्र जी को देख लीजिए, कितने गुरु किए उन्होंने, आपने तो कभी गिने भी नहीं होंगे अगर पाप लगता तो। और यहां तक कि उनके द्वारा तो ऐसी उल्टी गंगा बही है कि जिनसे, जिनको पहले गुरु किया बाद में उन्हीं के गुरु बने। सोचिए हमारे समाज में तो परंपरा ये पहले से ही रही है। हाँ, जब तारतम्य ज्ञान मिल जाए उसके बाद आवश्यकता नहीं रह जाती, लेकिन आप जो तारतम वाणी के प्रचारक हैं, अगर आप वाणी का प्रशिक्षण देते हैं, आपके द्वारा दिए गए प्रशिक्षण से अगर आपके शिष्य नहीं समझ पाते, वो किसी और प्रचारक से सुनना चाहते हैं और आप कहें कि नहीं गुरु बदलेंगे तो पाप लगेगा, तो क्या है फिर? तो सबसे बड़े पापी हमारे समाज के निजानंद संप्रदाय के प्रवर्तक हुए, क्योंकि उन्होंने हमसे ज्यादा गुरु किए। हमारे निजानंद संप्रदाय में किसी भी व्यक्ति ने इतने गुरु नहीं किए जितने की श्री देवचंद्र जी ने किए। तो इसलिए गुरु वास्तव में बदलना नहीं होता है। वास्तव में क्या होता है, जैसे भौतिक क्षेत्र में आप देखें, जब व्यक्ति, जब बच्चा नर्सरी तक पढ़ रहा होता है, नर्सरी की क्लास में अगर उसके 6 विषय हैं तो कितने गुरु हैं? 6 गुरु। फिर जब वो प्राइमरी से आगे पहुंच जाता है, सेकेंडरी में अगर टीचर बदलते हैं तो जितने विषय हैं उतने गुरु बदलेंगे, समझे? फिर वो अगर कॉलेज बदलता है तो क्या होगा, फिर गुरु बदले? फिर यूनिवर्सिटी अगर उसकी बदल गई, अगर वो मास्टर्स में या पीएचडी में आ गया, फिर से गुरु बदले? भौतिक क्षेत्र में भी गुरु बदलते रहते हैं, और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी पहले क्या होता था, आप उपनिषदों को खोल करके देखें, उपनिषदों में कितने ही ऐसे ऋषियों का उदाहरण आता है जिनके पास कोई शिष्य अगर आता हो और वो शिष्य किसी गुरु से, किसी ऋषि से किसी विषय में पूछता है जिनके विषय में उन्हें ज्ञान नहीं होता है, तो कहते हैं ऋषि कि इस विषय में अगर आपको जानना है तो फलाने ऋषि के पास चले जाइए। ऐसा आपने कहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आप उपनिषदों को खोल के देखिए, जितने भी ऋषि मुनि हुए, देवी देवता हुए, वो हर बार कभी ना कभी किसी, कभी किसी ऋषि के पास जा रहे हैं, कभी कोई विश्वामित्र के पास जा रहा है, कभी कोई वशिष्ठ के पास जा रहा है, तो वो यहां तक कि स्वयं भगवान राम, उन्होंने भी गुरु बदले हैं। एक ही भगवान राम के गुरु, कुल गुरु अलग है, राजगुरु अलग है, विश्वामित्र उनके भी गुरु हैं, वशिष्ठ भी उनके गुरु हैं, दोनों राम के गुरु हैं। इसका मतलब
एक गुरु से बंधे रहना कोई परंपरा नहीं है हमारी, कोई धर्मग्रंथ ऐसा नहीं सिखाता है। लेकिन हमारे यहाँ अंध परंपरा का भी कहीं ना कहीं कहीं किसी किसी जगह पर अनुसरण किया जाता है। तब जिन सन्यासी शंभुनाथ के पास जाते थे, अब उनके यहाँ न जा करके अब वो श्री जी की चर्चा सुनने आने लग गए। श्री जी की जब चर्चा सुनते, श्री जी कैसी चर्चा करते हैं? सर्वदेशी चर्चा। कहते हैं कि ए लगे चर्चा समझने, इत सर्वदेशी चर्चा होए। सर्वदेशी चर्चा अर्थात क्योंकि जब चर्चा सुनने आते हैं किसी एक विचारधारा के व्यक्ति तो नहीं आते। हो सकता है कोई व्यक्ति वेदांत को मानता हो, कोई व्यक्ति भागवत को मानता हो, कोई व्यक्ति वेदों को मानता हो, कोई किसी पुराण को मानता हो, कोई गीता को, किसी रामायण को मानता हो, या कोई हो सकता है इनमें से किसी को न मान करके किसी और धर्म ग्रंथ को मानता हो। सर्वदेशी चर्चा का तात्पर्य है कि सबकी मान्यता का आधार लेकर के सबको कोई ना कोई बात दिल में लगे, इस प्रकार की चर्चा होती है। तो इस तरह जिस किसी को भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात थोड़ी ना थोड़ी दिल में लगे, इस प्रकार की जो चर्चा होती है वो सर्वदेशी चर्चा कहलाती है, जिसमें सभी धर्म ग्रंथों से थोड़ा थोड़ा लेकर के परब्रह्म के स्वरूप को समझाने का प्रयास किया जाता है। अब वहां श्री जी जो चर्चा करते हैं वो केवल वेदांत की चर्चा नहीं होती है। भीम भाई, श्याम भट्ट इत्यादि के लिए उनको केवल वेदांत की चर्चा नहीं मिलती, वो सोचते हैं कि ये जो चर्चा है वो तो वेदांत से भी ऊपर की चर्चा है। इस तरह से चर्चा सुनते हुए श्याम भट्ट विचार करने लगते हैं। विचार करते करते वो भीम भाई से कहते हैं कि वेदांत में जिस खोज की बात की है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की खोज की जो बात की गई है, ये तो उसकी बात कह रहे हैं। जिस ब्रह्म की बात वेदांत में की गई है उस परब्रह्म की यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसे ही ये बात वो सुनते हैं, श्री जी की चर्चा सुनते सुनते उनकी दृष्टि खुलती है और उन्हें अक्षर से परे परब्रह्म की पहचान होती है, अक्षरातीत की पहचान होती है। कहते हैं कि आपन थे व्यापक लो जानी सूरत एक, जब नींद उड़ी अक्षर की ये जो फैली उड़ी अनेक। प्रारंभ से लेकर के अब तक जिस सृष्टि के विषय में पूरी दुनिया कैसे जान रही थी कि ब्रह्म तो एक है, और ब्रह्म कैसा है? व्यापक है, सृष्टि में सर्वव्यापक है, कण कण में है। लेकिन जब अक्षर की जो नींद है वो समाप्त होगी तो ये सृष्टि तो नहीं रहेगी, और जिस समय सृष्टि नहीं रहेगी इसका तात्पर्य ये हुआ कि त्रिगुण नहीं रहेंगे, विष्णु महाविष्णु नहीं रहेंगे, इस ब्रह्मांड का एक कण भी नहीं रहेगा। तो फिर जो सर्वत्र सर्वव्यापक ब्रह्म कह रहे हैं वो उस समय कहाँ रहेगा? ऐसा विचार करते करते भीम भाई की दृष्टि खुलती है और पहले गुरु से नाता उनका हट जाता है। श्री जी के चरणों में विश्वास लेकर के आते हैं और तारतम्य ज्ञान ग्रहण करते हैं। इस प्रकार भीम भाई और श्याम भट्ट दोनों ने तारतम ज्ञान ग्रहण किया। अब एक भागवत के विद्वान है, उनका नाम है गोविंद जी व्यास। वल्लभाचार्य मार्ग के थे, उन्होंने श्री जी की चर्चा सुनी भागवत पर आधारित, क्योंकि सर्वदेशी चर्चा में सारी चर्चाएं आती है, सब अपने अपने हिसाब से लेंगे। अभी मैं लगभग 1.5 घंटे की चर्चा कर रहा हूँ, बीतक की चर्चा है तो चलिए प्रसंग बदल रहा है, सब लोग कोई ना कोई बात लेंगे। अगर मान लो कि मैं किसी भी विषय पर चर्चा कर रहा होता तो आप सबको अलग अलग बात समझ में आती, आप सबकी बौद्धिक स्थिति जैसी होगी, आप सबकी परिस्थिति जैसी होगी, वो बात आपको याद रहेगी। इसी तरह से श्री जी की चर्चा में से भीम भाई ने, श्याम भट्ट ने वेदांत की बात की, वेदांत की बात को ग्रहण किया, और गोविंद जी व्यास ने भागवत की बात को ग्रहण किया। अब भागवत की जो टीका है, गोविंद जी व्यास वल्लभाचार्य मार्ग के अनुयायी थे और वो भागवत की सुबोधिनी टीका को मानते हैं। उस टीका को कुछ लोग सहजनी टीका भी बोलते हैं। सुबोधिनी, सु अर्थात सरलता पूर्वक, जिससे बोध हो, अर्थात वल्लभाचार्य जी ने भागवत की सबसे सरल व्याख्या की है ऐसा माना जाता है, जिससे समझने में सहजता होती है, इसलिए उसको सहजनी टीका भी कहते हैं।
उस टीका के आधार पर उनके मन में 40 प्रश्न थे। टीका को पढ़ने के बाद उनके मन में 40 प्रश्न आए थे जिनको उन्होंने लिखा था। वो उन प्रश्नों का उत्तर चाहते थे। तो गोविंद जी व्यास को वल्लभ दास दलाल, दलाल मतलब व्यापार करने वाले जो होते हैं ना, कमीशन पर जो व्यापार करते हैं वो होते हैं, तो वल्लभ दास दलाल जो है वो श्री जी के पास लेकर के आते हैं। अब श्री जी ने उन 40 प्रश्नों का उत्तर अपने आप नहीं दिया, उन्होंने उन प्रश्नों का उत्तर गोविंद जी के द्वारा ही दिलवाया। कभी कभी प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है, कभी कभी प्रश्न का उत्तर प्रश्न से ही दिया जाता है, और श्री जी ने स्वयं उत्तर न दे करके इस प्रकार से तारतम्य ज्ञान उनके हृदय में भर दिया कि कहते हैं तीन प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविंद जी के मुख, तीन को तीन से समझाया, तीन पाया बड़ा सुख। उन प्रश्नों से ही गोविंद जी को उत्तर दिया गया जिससे कि उन्हें बहुत ही सुख मिला। और क्या हुआ कि अपने प्रश्नों का समाधान मिलने के बाद उन्होंने श्री जी से तारतम्य ज्ञान ग्रहण किया। वो भागवत के जो 40 प्रश्न है, ज्ञान मंजूषा ज्ञानपीठ से प्रकाशित साहित्य है, उसमें प्रश्न तथा उत्तर दोनों उपलब्ध हैं। आप चाहें तो पुस्तकालय में पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो ज्ञानपीठ की वेबसाइट से भी उसको देख सकते हैं, जिसमें उन 40 प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। ज्ञान मंजूषा के नाम से है। उसमें भागवत के 40 प्रश्न तो है ही, साथ में वेदांत के 15 तथा वेद के 25 प्रश्नों का भी समाधान किया गया है। अब क्या हुआ कि जब देखा वहां के वल्लभाचार्य मार्ग के दूसरे अनुयायियों ने कि ये तो हमारे पंथ के जो आचार्य हैं, प्रचारक हैं, वही दूसरे संप्रदाय में चले गए हैं, तो जो अनुयायी थे उनके बीच में आपस में अब निंदा होने लगी। सब लोग श्री जी की निंदा करने लग गए, क्योंकि होता क्या है, चाणक्य कहते हैं न वेत्ति यो यस्य गुणः प्रकर्षम स तस्य निंदा सततम् करोति, यथा किराती करिकुंभ जाता मुक्ता परित्यज्य विभर्ति गुंजान। जैसे ऐसा कहा जाता है कि हाथी के पास गजमुक्ता मोती होती है। मान लो कि किसी राजा का हाथी है, उस हाथी में उसको सजाने के लिए मोती इत्यादि लगाए गए हो, और कौड़ी समझते हैं आप, कौड़ी की माला बना करके बहुत लंबी पट्टी की जो कौड़ी है उसको हाथी को पहनाया जाता है, उसके ऊपर महावत बैठता है गद्दी नुमा बना करके, और जो जंगली आदिवासी लोग होते हैं उनको यदि मुक्ता जो मोती है उसकी कीमत का पता ना हो तो वो क्या करेंगे, उसको त्याग करके उसको छोड़ करके वो क्या उठाएंगे, कौड़ी का जो हार होता है ना वो उठाते हैं। तो जो जिसके गुण को नहीं जानता है वो उसकी निंदा करता है और उसके अलावा दूसरी चीजों को वो ग्रहण करता है। अब वल्लभाचार्य मार्ग के जो अनुयायी थे वो निंदा करने लग गए श्री जी की, तो वहां एक प्रकरण अवतरित होता है कि वचन विचारो रे मिठड़ी वल्लभाचार्य वाणी, अर्थ लिए बिना एरे अंधेरी करत सबों की फानी। कि तुमने वल्लभाचार्य जी की वाणी का विचार नहीं किया, तुमने उनके अर्थ को ही नहीं समझा, और इसीलिए तुम उसके भाव को नहीं समझ पा रहे हो और इस नश्वर जगत में ही तुम भटक रहे हो। ये वाणी कैसी है, ए वाणी तो अपरस करे रे आत्म, तुम अपरस करो बाहर अंग। ये वल्लभाचार्य जी की वाणी, यदि तुम इसको ध्यानपूर्वक सुनते हो, इसके रहस्य को समझते हो, तो ये आत्मा को निर्मल करने वाली है, और तुम क्या करते हो उसको न समझने के कारण तुम केवल शरीर को निर्मल करते हो। ए बानी तो अपरस करे रे आत्म, तुम अपरस करो बाहर अंग, आकार अपरस किए कहा होए इनो आत्म सो कैसो संबंध। कि जब तक आत्मा निर्मल नहीं है शरीर को निर्मल करने से क्या होगा।
क्योंकि शरीर की पवित्रता का आत्मा की पवित्रता के साथ कोई संबंध नहीं है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि आज से आप लोग नहाना छोड़ दें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्नान आवश्यक है, नहीं तो क्या होगा? अगर आपने मान लो कि 3-4 दिन तक नहीं नहाया तो क्या होगा? शरीर में चर्म रोग उत्पन्न होंगे, जुए पैदा होंगे शरीर में पसीने के द्वारा। फिर धीरे धीरे जो चर्म रोग है वो आपको, आप ध्यान में बैठेंगे आंख बंद करके बैठे इधर खुजला रहे हैं, पीठ खुजला रहे हैं, ठीक है, तो उसका नुकसान तो है, लेकिन नुकसान शारीरिक स्तर पर है जो बाद में मानसिक स्तर पर भी पहुंच सकता है। लेकिन केवल ये सोचना कि नहाने से आत्मा निर्मल होगी, हमें पवित्रता के लिए नहाना आवश्यक है और आत्मिक निर्मलता के लिए कोई प्रयास न करना, ये मूर्खता है। भागवत में जो सुबोधिनी टीका है जिसमें अखंड ब्रज की अखंड राज की लीला का वर्णन किया है, संकेत किया है, तो वहां किस कर्मकांड का वर्णन है बताइए? उद्धव जी का जो प्रसंग आता है उसमें गोपियों ने कौन सा कर्मकांड किया कृष्ण जी को रिझाने के लिए, या ब्रजमंडल में गोपियों ने कृष्ण जी को रिझाने के लिए कौन सी पूजा पाठ की, कौन सी षोडश उपचार पूजा की, कौन से पुरस्चरण मंत्र का उन्होंने जप किया, कोई जप किया है उन्होंने, कोई कर्मकांड किया है? तो भागवत क्या सिखाती है? भागवत सिखाती है ब्रज के आधार पर प्रेम, और उस प्रेम से आत्मा निर्मल होती है। वैसे तो आत्मा निर्मल ही है, पर आत्मा को जिस जीव ने घेरा हुआ है उसमें विकार है, और उन विकारों को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है प्रेम, और साथ में प्रेममयी विरह। और जिस सुबोधिनी टीका में इस प्रकार का वर्णन किया है, तुम इसको पढ़ते नहीं हो, और पढ़ते भी हो तो उसको ग्रहण नहीं करते। तुम केवल कर्मकांड की चीजों को ग्रहण करते हो, और फिर क्या होता है कि एक चौपाई आती है, कहते हैं कि अधम शिष्य गुरु को बुरा कहावे, पर सोने न लगत स्याही। उन शिष्यों ने जो कि वल्लभाचार्य मार्ग के अनुयायी थे, भागवत के रहस्य को न समझ पाने के कारण जो भी बेड़ा गर्क किया, इस कारण से लोग किसको बुरा समझेंगे? वल्लभाचार्य जी को। पर कहते हैं कि जिस प्रकार सोने में स्याही नहीं लग सकती, भले ही अधम नीच शिष्यों के कारण गुरु को कोई भला बुरा कहे, पर वल्लभाचार्य जी इस प्रकार के खरे सोने हैं कि कोई दाग उनमें नहीं लग सकता है, तो उनकी वाणी का कोई भी दोष नहीं। इस प्रकार का जो प्रकरण है वो वहां पर अवतरित होता है। अब कोई श्री जी को बुरा कहता है, कोई भला कहता है, कोई है जो पहचान भी करते हैं, कोई लड़ने आते हैं, कोई निंदा करने आते हैं, लेकिन जो लड़ने भी आते हैं, निंदा करने के लिए भी आते हैं, तो श्री जी का दर्शन करने के बाद कहते हैं कि परमात्मा का शुक्रिया है, धन्यवाद है कि हम यहाँ पर आए। और जो बुराई करने आते हैं वो अपने मुख से कहते हैं कि जो इनकी निंदा करेगा उसका कभी भी भला नहीं होगा। इस प्रकार वो स्वयं ही श्री जी की प्रशंसा करते जाते हैं और कहते हैं ये तो साध बड़े हैं तरफ धनी निर्धार, ये तो परमात्मा की तरफ के बहुत बड़े साधु हैं। इस प्रकार अब दर्शन के लिए लोग आने लगते हैं, जागनी का जो प्रवाह है वो बढ़ता रहता है, आगे लोग जुड़ते रहते हैं, कारवां बनता रहता है। और इसी बीच क्या होता है, बिहारी जी ने जो पहले देखा कि जिन जिन को उन्होंने सुंदर साथ से निकाला है उन सब को श्री जी ने शामिल किया है, तो बिहारी जी ने नियम बनाया। और नियम क्या बनाया, कहते हैं सबसे पहला नियम कि नीची जाति के लोगों को तारतम नहीं देना है। दूसरा नियम बनाया कि जो विधवा स्त्री है उसको भी तारतम नहीं देना है। और तीसरा कि मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई तारतम नहीं दे सकता है। अगर तुम इन तीन बातों का पालन करते हो तो समझो कि हमारा जो धर्म है वो उज्जवल होगा लोगों के बीच में,
हमारे धर्म का सम्मान होगा, लोग सोचेंगे कि ये बड़े लोगों का धर्म है। वरना अभी तो क्या हो रहा है, ये तो पंथ गोलों का हुआ सब में जाहिर, ये तो छोटी जाति वालों का पंथ माना जाएगा। जातिवाद एक ऐसा रोग है, एक ऐसा जहर है जो समाज को धीरे धीरे अंदर ही अंदर खोखला करता है। आज समाज में अगर विदेशी मत आकर के दो दो कट्टे चावल पर धर्मांतरण कर रहे हैं, संप्रदाय का परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसमें एक सबसे बड़ा जो जहर है ये जातिवाद ने घोला है। भारत की अवनति के, अवनति अर्थात भारत के पतन के अगर कोई मुझसे कारण पूछे तो मैं प्रमुख कारण में से जातिवाद को भी एक प्रमुख कारण बताऊंगा। मूर्ति पूजा एक कारण है, जातिवाद एक कारण है, अपने धर्म ग्रंथों के ज्ञान का अभाव एक प्रमुख कारण है, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का अभाव एक प्रमुख कारण है। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो जातिवाद एक ऐसा जहर है। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से दो साहित्य प्रकाशित हुए हैं जातिवाद के नाम पर, एक है वर्णाश्रम और एक है जातिवाद कारण और निवारण। आप सभी से आग्रह है कि एक बार उसे अवश्य पढ़ें, आपको वास्तविकता जानने को मिलेगी कि वास्तव में जातिवाद ने समाज का कितना बड़ा नुकसान किया है। सोचिए कि जो हिंदू समाज ये कहता हो कि हम तो कृष्ण जी के भक्त हैं, और वही हिंदू समाज का एक वर्ग जो पूजा तो कृष्ण जी की करता है, कथा भागवत की करता है, लेकिन भागवत की कथा में प्रसाद ये कह करके नहीं खाता है कि कृष्ण जी तो यादव जाति के थे, हमसे छोटी जाति के, इसलिए हम वो प्रसाद नहीं खाते और वो प्रसाद दूसरे लोगों में बांट देता हो और बेच देता हो, तो सोचिए कि इस समाज का पतन नहीं होगा तो किसका होगा। जो अपने जिसको आराध्य मानता है उसको कह रहा है कि ये छोटी जाति में है, और स्वयं को अपने आराध्य से बड़ा समझता है, तो उसका पतन नहीं होगा तो किसका होगा। जिस समाज में कृष्ण जी की गीता की पूजा की जाती हो, उसका सम्मान किया जाता हो, लेकिन कृष्ण जी जो ये कहते हो कि चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणः कर्म विभागश जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात द्विज उच्यते, जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं और संस्कार से क्या होते हैं, द्विज होते हैं। संस्कार से द्विज होने का तात्पर्य क्या है? द्विज का अर्थ ब्राह्मण नहीं होता है, द्विज का अर्थ होता है दो बार जिसका जन्म हुआ है उसको कहते हैं द्विज, और शूद्र का अर्थ होता है अज्ञानी। जन्म से तो सब अज्ञानी होते हैं, ब्राह्मण का पुत्र वेद पढ़ के थोड़ी आता है, जन्म से सभी अज्ञानी है, लेकिन संस्कार देने पर वह व्यक्ति द्विज कहलाता है। और जो जीवन भर किसी प्रकार का ज्ञान नहीं ले पाता है तो उसको कहते हैं शूद्र अर्थात अज्ञानी, चाहे मूर्ख आप समझ लीजिए। शूद्र का तात्पर्य कोई छोटी जाति नहीं, शूद्र का तात्पर्य है अज्ञानी। और यदि कोई व्यक्ति अज्ञानी पिता से उत्पन्न होता है तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो भी अज्ञानी ही रहेगा। कुछ तथा कथित बुद्धिजीवी जिनको जातिवाद के कीड़े ने काटा है, ऐसे तथा कथित बुद्धिजीवी कहते हैं कि देखो जिस प्रकार गाय का जो बच्चा होगा, गाय और बैल का, वो बैल ही होगा, घोड़े का बच्चा घोड़ा ही होगा, सांप का बच्चा सांप ही होगा, इसी प्रकार ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण ही होगा। अरे बुद्धिमान प्राणी, आप सोचो कि जाति के जो भी चिन्ह हैं, आप घोड़े के बच्चे को देख करके बता सकते हो कि घोड़े का बच्चा है? कोई बता सकता है? बता सकता है ना?
जिसके पास आंखें होंगी और जिसने उससे पहले कभी भी घोड़े को देखा होगा, वो घोड़े के बच्चे को देख करके बता पाएगा कि ये घोड़े का बच्चा है। सांप को देख करके भी बता देगा कि ये सांप का बच्चा है। गाय के बच्चे को देख करके भी कोई भी बता देगा बच्चा। एक 5 वर्ष का बच्चा भी अगर उसने फोटो देखी है तो वो बता सकता है। लेकिन आप किसी इंसान के बच्चे को देख करके बता सकते हो कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कौन सा है? कोई भी इस दुनिया का कोई भी महाज्ञानी व्यक्ति अगर हमारे सामने आकर के ये दावा कर सके कि मैं बच्चे को देख करके बता दूंगा बिना माता पिता के देखे कि ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, तो फिर जातिवाद की बहस समाप्त हो जाएगी। पूरी दुनिया के लोग जन्मना जाति व्यवस्था को मान लेंगे। लेकिन ये संभव नहीं है कि कोई देख करके बता दे कि ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। ये पहला तर्क है, इसकी कोई काट नहीं है। दूसरा तर्क कि गाय का जो बच्चा है उसको घोड़े की ट्रेनिंग देकर के घोड़ा नहीं बनाया जा सकता है। सांप के बच्चे को नेवले की ट्रेनिंग देकर के नेवला नहीं बनाया जा सकता है, वो सांप ही रहेगा। पर मनुष्य का जो बच्चा है चाहे किसी भी कुल में उत्पन्न हो उसको प्रशिक्षित किया जा सकता है कि नहीं? अगर मान लो कि आज शूद्र के घर में कोई बालक जन्म लेता है और उसको बचपन से ही क्षत्रिय वाली युद्ध कला में पारंगत कराया जाए तो क्या वो सीख सकता है? सीख सकता है। ब्राह्मणों की तरह उसको संस्कृत सिखा करके वेद का अर्थ बताया जाए तो क्या वो वेद पर व्याख्यान कर सकता है? कर सकता है। क्या उसको बिजनेस या मैनेजमेंट सिखा करके व्यापारी बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? जन्मना जो कहते हैं कि घोड़े का बच्चा घोड़ा होगा, सांप का बच्चा सांप होगा, ये जो दृष्टांत है ये कतई महामूर्खों वाला है। जिसने भी ये दृष्टांत बनाया है वो भी और जो इस दृष्टांत को किसी के सामने दिया करते हैं वो सभी एक ही बिरादरी के हैं, एक ही वर्ग के हैं। और उनके लिए मैं बार बार ये शब्द कहना है नहीं चाहूंगा। तो जातिवाद जो है वो जहर है जो किसी के मन पर घुलता है, समाज इसको घोलता है। एक बालक जो ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न होगा जब तक उसको कान के द्वारा बार बार ये नहीं डाला जाता ना कि बेटा तू ब्राह्मण है, तू श्रेष्ठ है और फलाने के घर पे मत जाना वो शूद्र है, फलाने के घर पे मत जाना वो चर्मकार है चमार है, फलाने के घर पे मत जाना वो अछूत है, तब तक उस बालक के मस्तिष्क पे ये बात आएगी ही नहीं। क्योंकि बालक भगवान का रूप होते हैं ना। लेकिन बार बार ये डाला जाता है, बार बार ये कहा जाता है कि फलाना व्यक्ति अछूत है। अछूत क्यों है? अछूत का अर्थ क्या होता है? जिसको छूना नहीं चाहिए। क्यों नहीं छूना चाहिए? नुकसान होता है इसलिए अछूत है। तो अछूत कौन हुआ? सांप को छुएंगे डंक मारने की संभावना है, बिच्छू को छुएंगे डंक मारने की संभावना है, बिजली के नंगे तार को छू करके देखिए करंट लगेगी। ये सब अछूत है, इनको नहीं छूना चाहिए। एक बेचारे भोले भाले मनुष्य को छूने से क्या नुकसान है? और पहली बात कि अगर कोई व्यक्ति शूद्र कुल में उत्पन्न है, आपको वो व्यक्ति छू देता है और आप उसको सजा देते हैं। पहले ये परंपरा थी, आज भी कई जगह पर है, उसको सजा दी जाती थी। तो आपको छूने पर नुकसान उसको हुआ, अछूत कौन हुआ? आप अछूत हुए क्योंकि आपको छूने से उसका नुकसान हुआ है। एक बार अकबर के दरबार में हुआ क्या कि सुबह सुबह अकबर उठा और झरोखे से बाहर की तरफ देख रहा था, एक आदमी उसको दिखा। उस आदमी ने अकबर को सलाम किया और चलता बना। उस दिन अकबर को सिरदर्द शुरू हो गया और सिरदर्द के पीछे कारण क्या था? सभा थोड़ी लंबी चली, लंबी चलने की वजह से खाना समय पर नहीं मिला और जो व्यक्ति नियमित समय पर खाना खाता एक दिन लेट हो तो गैस बन जाती, उसको सिर दर्द हुआ। अब वो क्या सोच रहा है? वो सोचता है कि सुबह सुबह मैंने किसका मुंह देख लिया था। आप लोग भी कहते होंगे कभी कभी कि पता नहीं किसका मुंह देख करके आया था, किसी का मुंह नहीं देखे थे कभी। हो सकता है कि आपने शीशे पे अपना मुंह देखा हो। तो
उसने कहा पता नहीं किसका मुंह देखा, याद किया तो पता चला कि हाँ वो व्यक्ति था, उसको बुलाया गया और उसको जेल में डाल दिया। अकबर ने कहा कि ये व्यक्ति मनहूस है। मनहूस क्यों है? क्योंकि मैंने इसका मुंह देखा और मुझे खाने को नहीं मिला, सिर दर्द हुआ। सोचो कि मेरी ये हालत है तो अगर ये व्यक्ति समाज में रहेगा तो क्या होगा, समाज के सब लोग परेशान रहेंगे, इसलिए इसको समाज में रहने नहीं देना, इसको तो फांसी दी जाए। अब बेचारा बेकसूर है लेकिन उसको फांसी होनी है। बीरबल समझदार है। बीरबल ने जाकर के पूछताछ की, पूछा कि चलो मान लो कि सम्राट ने, बादशाह ने सबसे पहले तुम्हें देखा था, तुम बताओ तुमने सबसे पहले किसको देखा था। कहते कि सुबह सुबह निकला था जल्दीबाजी में, घर पे तो किसी से मिला नहीं, मैं सुबह सुबह बादशाह ही दिखे थे, बादशाह को मैंने सलाम किया, फिर आगे बढ़ा तो मैंने बादशाह को सबसे पहले देखा। अब बादशाह को ये सारी बात बताई गई और कहते हैं कि बादशाह सलामत, इसने आपने इसको देखा तो आपको एक दिन समय पर खाने नहीं मिला और सिर दर्द हुआ, इसलिए आप ये मान रहे हैं कि ये मनहूस है। इसने आपको देखा, इसकी तो जान जाने वाली है, इसको तो फांसी होने वाली है, तो आप बताइए कि बड़ा मनहूस कौन हुआ। बड़ा मनहूस तो अकबर हुआ। तो जब इस तरह से समझाया गया, बीरबल ने उसी भाषा में समझाई, अकबर समझ गया कि अच्छा ये सब तो संयोग है। आपके छूने से अगर किसी को दंडित होना पड़ रहा है तो बड़े अछूत आप हुए। समाज में कोई जन्म के नाम पर अस्पृश्य नहीं होता है। आप देखिए किस समाज में जितने भी लोग हैं वे सभी ऋषि पुत्र हैं। इस विश्व के सभी लोगों के लिए वेद का कथन है, कहते हैं श्रणवंतु विश्व अमृतस्य पुत्रा, कि हे अमृत पुत्रों, हे विश्व के अमृत पुत्रों तुम सुनो, तो सब अमृत पुत्र है, सप्तर्षि की संतान है, सभी ऋषियों के गोत्र हैं। आप देखेंगे कि जो मल्लाह कुल में उत्पन्न है वो अपना गोत्र बताते हैं कश्यप, कि वो कश्यप ऋषि की संतान है। अगर जन्मना जाति व्यवस्था होती, महाभारत खोल के देख लीजिए ना, महाभारत में व्यास जी किसके पुत्र थे? व्यास जी की जो माता है वो एक मल्लाह की पुत्री थी, मछवारी थी, समझे? इसी तरह से विदुर जी किसकी संतान थे? विदुर जी व्यास की संतान है। जब उस समय में जन्मना जाति व्यवस्था नहीं थी तो आपने कहां से डाल दिया जन्मना जाति व्यवस्था? सोचिए कि अगर जाति व्यवस्था होती, जन्म से कोई श्रेष्ठ होता तो कृष्ण जी तो यदुकुल में उत्पन्न है, ब्राह्मण कुल में तो उत्पन्न नहीं हुए। क्या सभी अवतार ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए? नहीं हुए। नारद जो हैं उनको देवर्षि कहा जाता है, लेकिन नारद कौन से कुल में उत्पन्न हुए हैं? नारद शूद्र कुल में उत्पन्न है। आप उपनिषद खोल के देखिए, सत्यकाम जाबाली, उनके तो कुल का अता पता भी नहीं था लेकिन उनको उपनिषदों में स्थान दिया गया, उनके पिता का पता ही नहीं है। वो वेश्या के पुत्र थे लेकिन फिर भी वो ज्ञानी हुए, वो फिर भी ब्राह्मण कहलाए। विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में उत्पन्न है लेकिन तप करके वो बाद में ब्रह्मर्षि कहलाते हैं। और द्रोणाचार्य जैसे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है लेकिन क्षत्रियों के वो गुरु हैं। तो इस तरह पहले ऐसा कोई बंधन नहीं था। मनुस्मृति का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है पर ज्ञान ग्रहण नहीं करता तो वो शूद्र होगा, और अगर कोई शूद्र कुल में उत्पन्न होता है लेकिन अध्ययन करता है वो ब्राह्मण हो सकता है। शूद्र कुल में उत्पन्न ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न शूद्र हो सकता है। कोई क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर के वैश्य का काम करे या वैश्य के कुल में उत्पन्न होकर क्षत्रिय का काम करे तो कर्म के आधार पर वर्ण की व्यवस्था होती है, और वर्ण की व्यवस्था भी छूत और अछूत के लिए नहीं, केवल वर्गीकरण करने के लिए, प्रोफेशन बताने के लिए कि ये कौन सा प्रोफेशन है। जैसे आजकल ड्रेस कोड होता है, इसी प्रकार पहले किसी को अगर शूद्र कहा जाता था तो वो गाली नहीं थी। जैसे कर्ण को सूतपुत्र कहते थे तो सूतपुत्र कह करके गाली नहीं दी जाती थी। आप बताइए अगर सूत होना गाली होती तो सूत कौन थे?
कर्ण के जो पिता थे जिन्होंने पालन किया था वो तो सारथी थे, है कि नहीं? और सारथी कौन होता है? सबसे विश्वसनीय व्यक्ति होता है, जीवन की डोर उसके हाथ में होती है, समझ रहे मेरी बात? तो सूत पुत्र कहलाना गाली नहीं थी। और आजकल एक दो और बातें जोड़ी जाती है जाति के नाम पर, क्योंकि दोनों तरफ से अति होती है ना, ब्राह्मणों की तरफ से तो अति हुई ही है, लेकिन आजकल जो वामपंथी विचारधारा है वो ये कहती है कि देखो द्रोणाचार्य ने सूत पुत्र होने के कारण कर्ण को शिक्षा नहीं दी, एकलव्य का अंगूठा काट लिया, राम ने संभुक का वध किया। वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि जाति की बात चल रही है इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल रहा हूं। देखिए, आपने कभी रामायण पढ़ी ही नहीं है, आपने तो टीवी सीरियल में देखा, और टीवी में वही चीज दिखाई गई है हम इतने वर्षों में जिसमें छेड़छाड़ की गई हो, हमारे इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। वास्तविकता जाननी है तो आप महाभारत खोल के देखिए, रामायण खोल करके देखिए। महाभारत में ये वर्णन आता है कि कर्ण ने भी द्रोणाचार्य से ही शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन जो दिव्य अस्त्र इत्यादि होते हैं, दिव्य अस्त्रों की शिक्षा राज परिवार के लोगों को ही दी जाती थी। जैसे उदाहरण के लिए आज सेना में कितने लोग जाते हैं? जाति पूछी जाती है क्या? सेना में जाने पे जाति तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन जो दिव्यास्त्र है, दिव्यास्त्र समझ रहे हैं आज के हिसाब से, जो मिसाइल इत्यादि हैं, क्या उनको चलाना हर किसी को सिखाया जाता है? किसको सिखाया जाएगा? बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको इसका ज्ञान होगा। और पूरा जो कमांड है वो किसके हाथ में होती है? भले ही आज राज सत्ता नहीं है पर राष्ट्रपति के हाथ में होती है ना। तो आप ये कहेंगे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है अगर सेना का जवान ये कहे कि हमें भी दिव्य अस्त्र सीखना है, हमें भी मिसाइल का बटन हमारे पास भी होना चाहिए, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो ये क्या है? ये मूर्खता है। दिव्यास्त्र को चलाना, क्योंकि आज के समय के जो प्रक्षेपास्त्र है, आज के समय के मिसाइल की तरह है, जो केवल राज परिवार के जो लोग हैं उनको सिखाया जाता था, और किसी को सिखाना तो उपयुक्त भी नहीं है, इसीलिए कर्ण को नहीं सिखाया गया था। वरना सारी जो शिक्षा है वो द्रोणाचार्य के पास बैठ करके ही ली थी। इसी तरह से एकलव्य की जो बात की जाती है, एकलव्य का जो अंगूठा है वो जाति के कारण नहीं कटा है, एकलव्य का अंगूठा कटा है। देखिए, द्रोण भी तो मनुष्य ही है ना। आप द्रोणाचार्य की बात को ये मान ले कि द्रोणाचार्य जी ने जो किया वो हर ब्राह्मण को करना चाहिए, तो वो तो गलत है। द्रोणाचार्य में बहुत सारी कमियां थी, लेकिन द्रोणाचार्य ने जो एकलव्य का अंगूठा काटा वो जाति के नाम पर नहीं काटा, वो ईर्ष्या के कारण काटा। उनको ईर्ष्या थी क्योंकि उन्होंने कह रखा था कि मैं अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धारी बनाऊंगा, और इस कारण से उसका अंगूठा काटा गया। और दूसरी बात कि उस समय अगर जातिवाद होती तो सोचिए कि एकलव्य कौन था? एकलव्य था मगध के एक सेना अध्यक्ष हिरण्यधनु का पुत्र था। जाति के नाम पर अगर उस समय भेदभाव होता तो एकलव्य पिता सेनाध्यक्ष कैसे होते? समझ रहे मेरी बात? तो उस समय भेदभाव नहीं था जाति के नाम पर, अंगूठा काटा गया ईर्ष्या के कारण। उसको आप जातिवाद पर दोष नहीं दे सकते। वो कमी द्रोणाचार्य की है, भील होने के कारण अंगूठा नहीं काटा, पर जो भेदभाव वाले जो वामपंथी लोग हैं वो हमारे धर्म ग्रंथों का गलत तरीके से अर्थ करते हैं। और सोचिए कि संभुक के वध की बात जो है वो रामायण में की जाती है। कौन से कांड में है? रामायण के उत्तर कांड में। रामायण में सात कांड बताए जाते हैं जिनमें सातवां कांड है उत्तर कांड, लेकिन जब आप छठा कांड पढ़ रहे होते हैं तो छठा कांड के अंत में ही रामायण की समाप्ति की गई है, फलश्रुति बताई गई है। फलश्रुति के बाद कोई चौपाई होती है क्या, या कोई श्लोक? तो समापन किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद केवल मिलावट करने के लिए ये जो सातवां उत्तर कांड है वो प्रक्षिप्त किया गया, और प्रक्षिप्त करके ये जो बातें हैं सीता माता को त्यागने से लेकर के संभुक का वध करने की, ये बातें जोड़ी गई। आप सोचिए कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम
निषाद राज गुह से मित्रता करते हुए जाति नहीं पूछते, जो राम सबरी के यहां जाते हुए जाति नहीं पूछते, जिन्होंने उन वनवासियों से सहयोग लिया है, ये जो वानर कहते हैं ना, ये मनुष्य हैं, वानर अर्थात वन में रहने वाले मनुष्य हैं, तो उनके तो सभी मित्र हैं, समाज का हर पिछड़ा वर्ग उनका मित्र है, तो वो संबुक का वध क्यों करते। लेकिन वामपंथियों ने हमारे इतिहास में मिलावट की, मुसलमानों ने हमारे इतिहास में मिलावट की, और इस प्रकार की भ्रांति फैलाई गई कि राम भी उस समय इस प्रकार करते थे। अगर जाति के नाम पर संबुक का वध करना होता तो जाति के नाम पर रावण ब्राह्मण था उसको छोड़ देते, तो इसलिए संबुक का वध हुआ ही नहीं है, ये सब प्रक्षिप्त है। और उसकी प्रक्षिप्तता का पता आपको तब चलेगा जब आप वाल्मीकि रामायण को ध्यान से पढ़ेंगे। पहली बात तो दोनों की लेखन शैली ही भिन्न भिन्न है, पहले के रामायण की और प्रक्षिप्त जो उत्तरकांड है उसकी लेखन शैली भी भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार जो जातिवाद का जहर हमारे मस्तिष्क पर डाला गया है वो सभी भ्रांति है, वो सभी मूलहीन है, निर्मूल है, और इसका नाश हमारे जीवन से भी होना अनिवार्य है। इसी विषय में भी व्याख्या करनी हो तो बहुत लंबी व्याख्यान हो सकती है, पर केवल इतना समझें कि वेद का जो आगमन हुआ है वो सभी वर्णों के लिए हुआ है, सब मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए हुआ है। ब्रह्मवाणी का आगमन हुआ है संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए। ब्रह्मवाणी का कथन तो यहाँ तक है, क्या कहते हैं कि जात एक खसम की और न कोई जात, एक खसम एक दुनिया और उड़ गई दूजी बात। महामती जी तो यहां तक का क्रांतिकारी वक्तव्य देती हैं, कहती हैं कि चंडाल हृदय निर्मल खेले संग भगवान, देखलावे नहीं काहू को गोप राखे नाम। यदि कोई व्यक्ति चंडाल कुल में भी उत्पन्न है और वो मन ही मन परमात्मा की भक्ति करता है तो वो निर्मल है, और अगर कोई ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न है लेकिन विप्र भेष बाहर दृष्टि खट कर्म पाले वेद, श्याम खिन सुपने नहीं जाने नहीं ब्रह्म भेद। अगर कोई व्यक्ति केवल बाहरी दृष्टि से देखता है ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न होकर के तो वो ब्रह्म को नहीं जानता है, और ऐसे में एक तो हृदय से परमात्मा की भक्ति करता है लेकिन चंडाल कुल में उत्पन्न है, और दूसरा जिसके अंदर भक्ति की कोई छाया नहीं है लेकिन ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है, तो ऐसे में अछूत कौन है। तो कहते हैं अब कहो काके छुए अंग लागत है छूत, अधम तम विप्र अंगी चंडाल अंग उद्योत। कोई व्यक्ति चंडाल के कुल में उत्पन्न है फिर भी उसका हृदय उज्ज्वल है, और कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है तब भी उसका हृदय अधम है, नीच है। रावण ब्राह्मण था पर अपने कर्मों के कारण वो राक्षस कहलाया, और प्रहलाद राक्षस कुल में उत्पन्न होने के बाद भी भक्तों के बीच पूज्य बने, सम्माननीय बने। इसी तरह की अवस्था सभी की है, इसीलिए आज भी जहां जहां पर जन्मना जाति व्यवस्था का प्रचलन है उसको समाप्त किया जाना चाहिए, और इसके लिए सबसे पहले तो जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है उन्हें आगे आना चाहिए। आपने महाभारत कभी पढ़ा ना, नहीं पढ़ा तो एक बार खोल करके पढ़ लीजिए। जो ये कहते ना कि ये फलाने अछूत है, इनका छुआ हम नहीं खा सकते, इनसे हमें दूर रहना चाहिए, आप देखेंगे महाभारत में दो बहुत बड़े बड़े यज्ञ हुए। एक अश्वमेध यज्ञ के नाम से जाना जाता है जो कि अश्वमेधिक पर्व में वर्णन आता है, और एक राजसूय यज्ञ के रूप में जाना जाता है। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ कराया था तो वहां खाना बनाने के लिए कौन आए थे? खाना बनाने के लिए जितने पकाने वाले थे वो सभी शूद्र कुल में उत्पन्न थे, सभी सूत थे, रसोई का काम करने वाले। ब्राह्मण का काम तो पढ़ना पढ़ाना है, वो खाना बनाएगा कि पढ़ाएगा? तो इसीलिए सब भोजन बनाने वाले सूत कुल के थे, कोई अछूत नहीं होता था, सब एक दूसरे का स्पर्श किया हुआ खाते थे। हाँ, मनुस्मृति ने सात तरह के लोगों को अछूत बताया है। आप कभी मनुस्मृति खोल करके देखें या फिर जातिवाद जो छोटी सी एक पुस्तिका उसको खोल करके देखें, वे सात प्रकार के जो लोग हैं वो कौन हैं? देखिए, अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है बारंबार,
एक तो होता है कि मान लो किसी की प्राण रक्षा के लिए झूठ बोली, लेकिन बार बार झूठ बोलने की अगर किसी की आदत है तो वो कहते हैं कि वो अछूत है, उसकी संगति नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मांसाहारी है तो उसकी संगति नहीं करनी चाहिए, उससे उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मद्यपी है अर्थात शराब पीने वाला है तो वो अछूत है, उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बलात्कारी है तो उसकी संगति नहीं करनी चाहिए, वो अछूत है। कोई व्यक्ति ब्रह्म हत्या करने वाला है, ब्रह्म हत्या मतलब किसी ज्ञानी व्यक्ति की, विद्वान की हत्या करने वाला है तो उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। कोई व्यक्ति झूठी गवाही देता है तो उसकी संगति नहीं करनी चाहिए, वो अछूत है। इस तरह के जो नीच कर्म है, गो हत्या करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, बलात्कार करने वाला, शराब पीने वाला, मांस खाने वाला, बारंबार झूठ बोलने वाला, इस तरह के लोगों को अछूत बताया है। और आज अगर कोई नेता है, क्या नेताओं में कोई अपराधी व्यक्ति नहीं होता है? आज तो अधिकांश नेता अपराधी हैं, जिनके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल केस चल रहा है। लेकिन जो ब्राह्मण शूद्र को अछूत बताते हैं, वो उन नेताओं के पास बैठ के खाने से परहेज नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो बड़े पद पर है, समझ रहे? तो इसीलिए अछूत कौन है पहले उन्हें समझिए। मनुष्य में ये 7 प्रकार के लोग अछूत हैं, और बाकी जिनको छूने से आपको नुकसान हो रहा हो, सांप, बिच्छू या कोई ऐसे जहरीले पेड़ पौधे, उनको नहीं छूना चाहिए। किसी मनुष्य को छूने से कोई नुकसान नहीं होता है। तो बिहारी जी ने जो नियम बनाया था, पहला कि नीची जाति के लोगों को तारतम नहीं सुनाना है। तो नीची जाति किसको कहते हैं आप समझ रहे होंगे, कोई नीचा कोई ऊंचा नहीं होता है जन्म से, हाँ कर्म के आधार पर होता है। अब दूसरा, विधवा स्त्री को तारतम ज्ञान नहीं देना है, ऐसा बिहारी जी ने नियम बनाया। क्यों? क्योंकि उस समय विधवा स्त्री को ये समझा जाता था कि ये पापी है, तभी पति की मृत्यु हो गई है। आज से 50 साल पहले तक भी अगर कहीं पर पति की मृत्यु होती थी, हर जगह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर कई जगह पर ऐसा कहा जाता था कि ये जो है विधवा जो है ये डायन है, ये अपनी पति को खा गई है, इस तरह से उसको समाज में नीच दृष्टि से देखा जाता था। और कहीं कहीं पर तो उसको नशा कराया जाता था, और नशे की हालत में पति के साथ में उसको जिंदा जलाया जाता था, और उसको कहा जाता था सती होना, जबरदस्ती। अगर कोई स्त्री अपनी इच्छा से पति के साथ मरना चाहे तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि वो स्वीकार्य है, पर सोचिए कि पति भी मर गया, और अगर जिनकी संतानें कम उम्र की हो, तो किसी पति की अकाल मृत्यु हो गई, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वहां पर अगर पत्नी को भी साथ में जलने को कहा जाए तो बच्चों का क्या होगा? सोचिए कितना बड़ा पाप है। वेद में ऐसा कहां लिखा है? लेकिन तथाकथित ब्राह्मणों ने, वाम मार्गियों ने वेद के एक मंत्र के एक अंश का गलत अर्थ किया, जिसमें कहा गया अग्रे कृतम। अग्रे कृतम का अर्थ क्या होता है? आगे बढ़ाया जाए। जो स्त्री विधवा हो जाती है उसको समाज में आगे बढ़ाया जाए, उसको समाज में प्रतिष्ठा दी जाए। इसलिए क्योंकि पति की भी मृत्यु हुई है, अब सामान्य रूप में अगर मृत्यु हुई होगी तो लगभग 70-75 की अवस्था में, तो स्त्री की भी अवस्था लगभग उतनी ही होगी, 70 के आसपास की। अब उसके पास घर का तो कोई काम वगैरह नहीं होता है, लेकिन जीवन भर का अनुभव होता है, तो उस अनुभव से समाज लाभ ले सके, इसलिए कहा गया अग्रे कृतम। लेकिन उन पंडितों ने सोचा कि अगर इनको आगे बढ़ाया जाएगा तो हमें कौन पूछेगा, इसलिए इनको समाज से हटाया ही जाए, और हटाने के लिए वेद के मंत्रों का गलत अर्थ किया गया, और विधवा स्त्री को नीच समझा जाने लगा। और बिहारी जी ने ये सोचा कि इन नीचे लोगों को अगर तारतम मिलेगा तो हमारे धर्म को लोग सोचेंगे कि ये तो छोटे लोगों का धर्म है। लेकिन श्री जी ने इस बात की भी खंडनी की। देखिए, विधवा होना किसी भी पतिव्रता स्त्री के लिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ा दुख होता है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री के लिए सबसे बड़ा जो प्रेम है वो पति होता है। यहां तक कि उसकी स्वयं की संतान जिसको अपने गर्भ में रख करके पाला है वो भी पति के बाद आता है उसका नंबर। अगर किसी पतिव्रता स्त्री को
ऐसी परिस्थिति में रखा जाए, वैसे तो नहीं रखना चाहिए, पर एक प्रश्न पूछने के लिए, हृदय की गहराई को, सच्चाई को जानने के लिए अगर पूछा जाए कि आपको अपने बच्चे और पति में से किसी एक को चुनना है तो आप किसको चुनोगे, तो पतिव्रता स्त्री पति को चुनेगी। तो वैसे ही दुख होता है, और ऐसे में समाज में अगर हेय दृष्टि से देखा जाए तो, लेकिन इसमें उसका विकल्प तो नहीं होता है, जानबूझ करके तो वो पति को पहले नहीं मारती है, लेकिन समाज में उन पंडितों ने सोचा कि विधवा स्त्री को समाज नीच दृष्टि से देखे, अगर सती बना दे तो क्या होगा कि इनकी जो संपत्ति है उस पर हम किसी न किसी तरीके से साम दाम दंड भेद से कब्जा कर लेंगे। लेकिन देवचंद्र जी ने तो तारतम दिया था, किसको? खोजी बाई को। तो वो विधवा भी थी और मुसलमानों में थी, वो मुसलमान स्त्री थी। और तीसरा जो नियम बनाया था उन्होंने, ये कहा कि हमारे और तुम्हारे अलावा और कोई तारतम नहीं दे सकता है। इस प्रकार उन्होंने पत्र लिखा। अब आगे इन तीनों पत्रों का जवाब श्री जी कैसे देंगे, क्योंकि जवाब देना है, जवाब के बाद उनकी प्रतिक्रिया भी देखनी है कि बिहारी जी क्या प्रतिक्रिया करते हैं, और तीनों बात मानने लायक तो नहीं है, तीनों में से कोई भी नियम मानने वाला नहीं है, ऐसा है ही नहीं कि इस नियम को माना जा सके, और श्री जी मानेंगे नहीं। जो ये कह चुके हैं कि जो कोई लूला पांगला साथ इंद्रावती न छोड़ी तिनको पहुंचावे पकड़ात, तो इन नियमों को कैसे मान सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने तीनों नियमों की खंडनी की, न तो उन्होंने जातिवाद की व्यवस्था को मानी, न उन्होंने विधवा स्त्री को तारतम नहीं देने की बात मानी, और न उन्होंने ये बात मानी कि दो ही लोग तारतम देंगे, तीसरा कोई नहीं देगा। पर श्री जी ने उत्तर क्या दिया, जातिवाद की जो व्याख्या की मैंने यहाँ पर अपने शब्दों में की, विधवा स्त्री के विषय में जो कहा वो मैंने अपने शब्दों में कहा, पर श्री जी ने किस प्रकार का जवाब दिया उसके बारे में हम कल सुनेंगे, और साथ ही ये भी सुनेंगे कि बिहारी जी की अब नाराजगी होती है, और बिहारी जी श्री जी को भी कह देते हैं कि अब मुझे तुम भी नहीं चाहिए, तुम्हें भी मैंने परम धाम से निकाल दिया है, और उसके बाद अब जागनी का प्रवाह कैसे चलता है, किस प्रकार सूरत से 500 सुंदर साथ की जमात निकल करके अब जागनी के लिए आगे बढ़ते हैं, और किस प्रकार सूरत से निकलते हुए अहमदाबाद सिद्धपुर होते हुए मेरता पहुंचते हैं, ये सारी भी तक सुनेंगे हम कल। अभी के लिए समय पूरा होता है, चौपाई दोहराइए। जवाब तीन बात का हम तुम्हें लिखो बनाए, ताको विचार कीजियो श्री देवचंद्र जी राह चलाए, श्री देवचंद्र जी राह चला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री सतगुरु महाराज प्रणाम।